महाभारत और रामायण के इन खास योद्धाओं की आखिर लंबाई कितनी थी और इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं में किसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी थी, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास जरूरी जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहे, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में चार युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों तक का था, जिसमें से एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार मर भी सकता था। वहीं त्रेता युग 12,56,000 वर्षों का था, जहां लोगों की उम्र 10,000 वर्षों तक की होती थी। वहीं द्वापर युग 8,00,000 वर्षों का था, जहां पर लोग 1,000 साल तक ही जिया करती थी। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है और इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल होता है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि आजकल औसतन 6 फीट से ऊपर जो भी होता है उसे लंबा मान लिया जाता है, परंतु पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी इसके बारे में बहुत ही सटीक विवरण हमें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट तक हो सकती थी, तो वहीं त्रेता युग में लंबाई 21 फीट तक हो सकती थी। द्वापर युग में 11 फीट तक लंबे हो सकते थे इंसान, और वहीं कलयुग में एक औसतन इंसान की लंबाई 5 फीट तक तो मानी ही जाती है। जैसे जैसे युग बीतते रहते हैं लोगों की लंबाई और उम्र कम होती रहती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं की हाइट के बारे में, यानी कि उनकी लंबाई कितनी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई आज से कहीं गुना ज्यादा थी। अगर बात करें महाभारत के योद्धाओं की, तो इनकी औसतन और असल लंबाई का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन महाभारत के ग्रंथों में अलग अलग रूप से इसका वर्णन किया जाता है। माना जाता है कि महारथी भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ और एक रथ जितना बताया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी, जिस हिसाब से उनकी लंबाई को 7 फीट 9 इंच माना जा सकता है। वहीं कुलगुरु कृपाचार्य की लंबाई 7 फीट के करीब थी। गुरु द्रोणाचार्य के शरीर और ज्ञान के बल को कृपाचार्य जितना ही बताया गया है, जिस अनुमान से उनकी भी लंबाई 7 फीट रही होगी, और उनके शिष्य और श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन 7 फीट 2 इंच के थे। वहीं पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच की थी, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का दर्शाया गया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, परंतु क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी अधिक थी। कहते हैं भीम के गधे का वजन 10 हाथियों के बराबर था और उनका बलिष्ठ शरीर इतना विशाल था कि रथ भी उनके सामने छोटा प्रतीत होता था। वहीं महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन की लंबाई भी भीम जितनी ही बलिष्ठ थी, वो भी 8 फीट 5 इंच के थे। वहीं सूर्य पुत्र कर्ण को वेद व्यास ने महाभारत में एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया है, जो बेहद ही ताकतवर और शरीर से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बलवान थे। उनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच थी, और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की लंबाई भी 7 फीट 2 इंच के करीब मानी जाती है। ये तो बात रही महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। अब हम बात करेंगे रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में, और जिसे सुनकर आप बेहद ही चौंक उठेंगे, क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से भी पुराना था और तब के लोग महाभारत काल के लोगों से भी अधिक लंबा हुआ करते थे। माना जाता है कि रामायण का मुख्य खलनायक और राक्षसों का राजा रावण 18 फीट लंबा था। पौराणिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बुनियाद पर रावण की असल लंबाई का पता लगाया जा सका है। वहीं इस बात की पुष्टि खुद श्रीलंका के कुछ साइंटिस्ट भी करते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रावण की लंबाई इतनी है तो कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। उसको लड़ने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पे सारे अस्त्रों और शस्त्रों के वार असफल होते जा रहे थे। वो वानरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। बड़े से बड़े पर्वत और चट्टान तो उसके सामने पत्थर जितने लगते थे। उस पे चलाए गए बाण बिल्कुल छोटी सी सुई की भांति ही लगते थे। शायद आप इस बात को जानकर चौंक भी जाएंगे कि इस विशालकाय दानव कुंभकर्ण की लंबाई दरअसल 60 फीट से भी अधिक थी। माना जाता है कि वो अकेला ही कई राक्षसों को खाया करता था। परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल इसका भी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कुंभकर्ण की हाइट कितनी थी, यानी लंबाई कितनी थी। कोई कहता है 60 फीट तो कोई कहता है 120 फीट। खैर ये तो रही कुंभकर्ण की लंबाई के बाद। अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के भतीजे और रावण के बेटे मेघनाथ के बारे में। इंद्र को हराने वाला और ब्रह्मदेव जी का आशीर्वाद पाने वाला रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ, जिसे लोग इंद्रजीत भी कहा करते थे। कहते हैं वो अपने पिता की तरह ही बलिष्ठ शरीर वाला था और बेहद शक्तिशाली था। उसकी कुल लंबाई 12 फीट थी। वहीं अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो रामचरित्र मानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम 5 करिकूस लंबे थे। अब एक करिकूस में 24 इंच होते हैं। इस हिसाब से 5 करिकूस यानी कि 120 इंच यानी कि कुल मिलाकर 10 फीट। जी हाँ, भगवान श्री राम की लंबाई 10 फीट से अधिक ही थी। वहीं लक्ष्मण जी भी उनके भाई बिल्कुल उनके जैसे ही थे, तो इसीलिए उनकी हाइट उनकी लंबाई भी बिल्कुल 10 फीट के करीब ही थी। अब बात की जाए पवन पुत्र हनुमान जी की, तो उनकी लंबाई का अंदेशा लगा पाना बेहद ही कठिन है, क्योंकि वो जब चाहे अपने शरीर को छोटा कर लेते थे, जब चाहे विशाल काय कर लेते थे, और उनकी स्पष्ट हाइट या लंबाई का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं अगर बाली की बात की जाए तो बाली रावण जितना ही विशाल था, यानी उसकी हाइट भी उसकी लंबाई भी 18 फीट थी। वहीं सुग्रीव 15 फीट के थे। कहा जाता है कि बाली के पुत्र अंगद भी 12 फीट लंबे थे। अब हम बात करते हैं महाभारत और रामायण में दोनों में भूमिका निभा चुके भगवान परशुराम जी की। माना जाता है कि वीर ब्राह्मण भगवान परशुराम जी की लंबाई 12 फीट से अधिक थी। तो ये थी दोस्तों रामायण और महाभारत के खास बलिष्ठ योद्धाओं की लंबाइयां। किसकी लंबाई और ज्यादा लंबी होनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।